शिक्षा के नाम पर सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, पर जमीनी स्तर पर सब खोखले नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला नूरपुर की पंचायत खेरिया की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में देखने को मिला, जिसमें मात्र एक अध्यापक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इस स्कूल में 60 छात्र व छात्राएं का भविष्य एक अध्यापक पर निर्भर है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। शिक्षा के नाम पर सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, पर जमीनी स्तर पर सब खोखले नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला नूरपुर की पंचायत खेरिया के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में देखने को मिला, जिसमें मात्र एक अध्यापक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इस स्कूल में 60 छात्र व छात्राओं का भविष्य एक अध्यापक पर निर्भर है। जब मीडिया द्वारा इस विषय पर जानकारी ली गई तो पता चला कि अगस्त 2019 तक इसी स्कूल में 2 अध्यापक थे, परंतु एक अध्यापक परशोत्तम चंद का प्रमोशन होने पर तबादला हो गया। तभी से इस स्कूल में एक ही अध्यापक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में काफी परेशानी आ रही है। जब स्कूल SMC प्रधान सुरेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल में एक ही अध्यापक है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत समस्या आ रही है। इसी स्कूल में बच्चों को सुरक्षा भी नहीं है, क्योंकि स्कूल के चारों तरफ कोई भी 4 दीवारी नहीं है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और जहाँ पे एक ही स्कूल में एक ही टीचर है, एक टीचर की वजह से यहाँ पे बहुत समस्या आती है। ना बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल पा रही है, और ना जहाँ पे बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हैं, और जहाँ पे ना बच्चों को प्रॉपर सुरक्षा है, जहाँ पे ना कोई 4 दीवारी है स्कूल को, और जहाँ पे हमारे बच्चे ना प्रॉपर सुरक्षित नहीं है जहाँ, और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो मेरी। स्कूल के अध्यापक देवराज ने बताया कि स्कूल में 2 अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, पर 16 अगस्त 2019 को परशोत्तम चंद की प्रमोशन होने के बाद स्कूल में एकमात्र अध्यापक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इलेक्शन विभाग ने BLO को काम भी दिया है, उसमें स्कूल में कोई नहीं होता है। देवराज यहाँ पे एज ए प्राथमिक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ। तो पहले हमारे पास साथ मेरे साथ मेरा सहयोगी श्री परशोत्तम चंद जी JVT यहाँ पे इंचार्ज के रूप में वो काम कर रहे थे। 16 अगस्त से उनकी प्रमोशन हो चुकी है और वो यहाँ से हेड टीचर की पोस्ट पे यहाँ से चले जा चुके हैं, दूसरी फतेहपुर में, इंदौरा में, सॉरी इंदौरा ब्लॉक में जा चुके हैं। तो लगभग 16 अगस्त के बाद तब से लेकर आज तक मैं अकेला हूँ यहाँ पर, अकेला एक अध्यापक हूँ। और एक अकेले अध्यापक के लिए कितनी समस्याएं आते हैं ये सभी लोग भलीभांति जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 53 जो है 53 बच्चे जो फर्स्ट है फिफ्थ तक हैं, और 7 बच्चे हमारे पास प्री प्राइमरी में हैं। लगभग 60 बच्चे हैं हमारे पास, कुल 60 बच्चे हैं हमारे पास। तो एक अकेले अध्यापक के लिए ये सब करना कि मैं कर रहा हूँ, जितना बेहतर हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर बच्चे को हर उसमें हमारे टूर्नामेंट में भी हमारा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बार भी हमारे बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल के आए हैं, वो भी मैनेज करना। इसके अलावा अपने ऑफिशियल जो डाक होती है वो भी मैनेज करना टाइम टू टाइम। इसके अलावा इलेक्शन विभाग ने मुझे बूथ लेवल ऑफिसर एज ए BLO का काम भी दिया है। जब इसके बारे में BPO शिक्षा विभाग योगेश शर्मा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल SMC कमेटी द्वारा अध्यापक के बारे में जानकारी दे दी थी, और आगे विभाग द्वारा डिप्टी डायरेक्टर को इसकी जानकारी दे दी गई है।